हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट एनर्जीज। ये डेक से मैं आपके लिए देखूंगी और ये डेक से आपके पार्टनर्स के लिए। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड निकालूंगी। प्लीज क्लेंस आदि शक्ति माँ गणेश जी। वैसे आप लोग सब कैसे हो जरूर बताएगा मेरे YouTube फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए मेरे YouTube फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए। तीन और कार्ड चाहिए माँ, क्या है प्लीज़ बताइए। एग्जैक्ट तीन दिए, ये दो भी आना चाहते हैं एंड बॉटम। ठीक है, देखते हैं। ये आपके लिए निकले, अब मैं आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। प्लीज़ बताया मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। वेरी नाइस, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। एक और कार्ड, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। इनके भी दो आए, नाइस। ओके, अभी मैं ये साइड पे रख रही हूँ, पहले मैं आपके लिए कांच देख लेती हूँ, ठीक है। हर्मिट, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हाय, फाइव ऑफ पेंटिकल्स विथ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि मेरी एक सेट ऑफ ग्रुप में के लोग, आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, एक रिश्ता आपका एंड हुआ, आपके पार्टनर ने बोल दिया इट्स ओवर, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता एंड हो गया। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली, उनकी सोच, उनका नेचर, उनके दोस्त, कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने दी एंड कर दिया और आपकी हालत ऐसी है, रोज़ रात को रोते हो, ऐसे लगता है कि खंजर लग गया है पीठ पे और धोखा मिल गया आपको, ठीक है। जबकि वो धोखा है नहीं, वो एक लेसन है जो आपको सीखना है, और आप जानबूझ के ये हुआ है यूनिवर्स की वजह से, यूनिवर्स ने किया है, आई एम नॉट ब्लेमिंग यूनिवर्स, यूनिवर्स ने ये किया है सो दैट आप अपनी सोल को ग्रो करने के लिए मेहनत करो। आपने वो इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि आपने अपने आप को, अपनी ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, ना ही अपनी सोल जर्नी में चले हो। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड की कुछ ना कुछ सोल पर्पस होती है, किसी का कुकिंग होगा, किसी का फैमिली का ध्यान रखना होगा, किसी का सोशल सर्विसिंग होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का हो सकता है मदर अर्थ के लिए सर्विस करना, एनिमल्स को खिलाना, कुछ भी, ठीक है। आपका सोल पर्पस आपको पता है या आपको गाइडेड कर रहे हैं, बट आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। सो आपको अभी एनलाइटनमेंट की जोन में जाना है, आप सॉलिट्यूड में रहिए, मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर सारे के सारे पता चलेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। एक रूम में बैठे बैठे रोना नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड हुआ है, ठीक है, कर्मा साइकिल एंड हुआ है और दूसरा स्टार्ट होगा। आप लोगों को ईगल बर्ड दिख सकते हैं, बर्ड्स दिख सकते हैं, आपके घर के आसपास बहुत बर्ड्स आ रहे होंगे, और आजकल आप जब भी टीवी चालू कर रहे होंगे तो आपको लायन बहुत दिख रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़, आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना है, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, वो आपके लिए चेंज होगा, बट स्टिल चेक करके सब करना, सिंस ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, अपने ऊपर फोकस रखिए, ठीक है।
आपको ये बोला जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगा, बट आप मूवमेंट तो कीजिए, आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे तो कहाँ से सक्सेस मिलेगा बताइए। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको मूवमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये भी बोला जा रहा है ना कि ये भी एक साइन है कि मूव ऑन कीजिए, लेट गो कीजिए, अभी अगर एंड हुआ ना आपके पार्टनर के साथ तो अभी वो चीज़ों को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दीजिए, करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए। अगर जिसको जाना है उसको जाने दीजिए, जिसको आना है उसको आने दीजिए, डोंट फोकस ऑन ऑल दिस, फोकस ऑन योर एनर्जी, बिकॉज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है अभी, अगर आप अपनी फाइनेंसेस पे फोकस नहीं रखोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी। जगलिंग मत कीजिए, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी हैप्पी कभी सैड, नहीं। अगर एक बार भी सैड हो जाना तुरंत चेंज योर वाइब्रेशन। सबसे बेस्ट थिंग मैं बोलूंगी, गो फीड फीड क्रोज, फीड एनिमल्स, गो फीड द काउस, आप एनिमल्स को खिलाइए, एनिमल्स को पैम्पर कीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप पुअर लोगों को खाना खिलाइए, हेल्प कीजिए किसी की, आपको बहुत खुशी मिलेगी। जो अनइजीनेस आपको महसूस हो रहा है ना अभी, आपको शांति मिलेगी, ठीक है। दूसरा एक और चीज, यहाँ पे मेरे बहुत सारे लोग बैलेंस्ड भी है, जो लोग फुल्ली बैलेंस्ड है ना, आपकी लाइफ में सक्सेस वॉक इन हो रहा है विद इन अ वीक, ठीक है। वही अपॉर्चुनिटी जो मैंने बोला ना कि जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आएगी जरूर। आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि डिवाइन से कनेक्शन का मतलब क्या होता है। इट्स वेरी नाइस, प्राउड। अब देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज। टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय मा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट। आप लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, एक डिवाइन रिलेशनशिप में हो, यू आर डीलिंग विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। देखिए उनमें 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, उनमें हर्मिट है, आप में हर्मिट है। कहाँ गया? उनमें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, आप में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। आप लोग मिरर कर रहे एक दूसरे को लिटरली, ओके। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है और वो आगे बढ़े, तो उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, और वो अब आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको क्लैरिटी देंगे, और आपको बताएंगे कि वो आपको खोने से डरते हैं, वो आपको बेशुमार मोहब्बत करते हैं, और वो आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो लोग बैलेंस्ड हैं। सो प्लीज फोकस ऑन योर एनर्जी एंड क्लेम दिस एनर्जी, और बोलिए कि मैं बैलेंस्ड हूँ, और नहीं हो तो बैलेंस हो जाओ, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोगों का मिनी रियूनियन होने वाला है। बड़ा रियूनियन भी हो सकता है, हार्मोनियस रियूनियन भी हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा मुझे मिनी वाला लग रहा है कि उनको याद आई तो वो आ जाएंगे। और वो आपको क्लैरिटी भी देंगे, वो आपको क्लैरिटी भी देंगे कि क्यों गए थे, किसकी वजह से गए थे, क्या हुआ था, सब कुछ वो सामने से आके आपको बताएंगे। और वो ये भी बोलेंगे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आगे जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, और वो आपको एक कंप्लीट वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, और वो आपके साथ छोटे छोटे बच्चे करना चाहते हैं, और वो सब कुछ अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी बताएंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे, क्या क्या हुआ, किन किन लोगों ने उनको धोखा दिया, सब कुछ वो डिटेल में आपको आके बताएंगे। और ये ना, ये सब हो रहा है एंजल्स यूनिवर्स की वजह से, सो
प्लीज कमेंट में थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स डेफिनेटली लिखिएगा। आप लोग ब्लेस्ड हो, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप लोग सब ब्लेस्ड हो। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है, आई एम सो हैप्पी। आगे की बड़ी रीडिंग में हम लोग डिटेल में देखेंगे कब तक आएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते में तो आने ही है, बहुत लोगों के पार्टनर्स का मैसेज आएगा ही आएगा एक हफ्ते में। बस आपके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि जब वो मैसेज करेंगे ना तो सोच समझ के आंसर दीजिए, ठीक है? पूरा प्लेटर सजा के मत रख देना उनके सामने। गॉड ब्लेस यू ऑल, क्लेम दिस एनर्जी और हम आगे देखेंगे बड़ी रीडिंग में क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।